हेलो दोस्तों, मेरा फिर से न्यू वीडियो है कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर का, यानी कूट भाषा का। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कहता है, किसी कूट भाषा में रिफॉर्म को 426349 लिखा जाता है और फॉर्मूला को 634-9871, तो उसी भाषा में म्यूल को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हम लोग सॉल्व करने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर सिर्फ, ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है कि पहले लिखना है हमें क्या, रिफॉर्म, REFORM, रिफॉर्म। ठीक है, अब आपको इसके क्या करना है, एरो, इन सभी के वर्डों को लिखना है। जैसे आर कितना है, तो आर को क्या लिखना है, 4, ई को लिखना है 2, एफ को लिखना है 6, ओ को लिखना है 3 और आर को लिखना है 4 और ये एम को 9, यानी फर्स्ट आपका सॉल्व हो गया। ठीक है दोस्तों, सेकंड, FORMULA फॉर्मूला है, तो इसे लिखना है हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से। देखिए, तो आप इसके लिए क्या करिएगा, देखिए दोस्तों, ये तो एफ के लिए F6, O3, R4, M9, 8U, L7 और A1, यानी सेकेंड। ठीक है, तो आप इसके लिए क्या लिखे, तो यहाँ लिख सकते हैं सॉल्यूशन फॉर कोडिंग आंसर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका। देखिए दोस्तों, अब आपको इसी में से आपको कूट भाषा लिखना है। इसमें ऑप्शन नहीं है दोस्तों, विदाउट ऑप्शन ही बनाना। हर वीडियो में आपको बताऊँ जिसमें ऑप्शन रहता है, लेकिन इसमें विदाउट ऑप्शन का, क्योंकि अब ये थोड़ा सा फॉर्म में आ रहा था कि आपका ये माइंड टेस्ट लेना है। तो चलिए सब लोग सॉल्व करते हैं। आप ये देख सकते हैं, मैंने आपको इतना वीडियो बताया दोस्तों, उसमें से आप ज़रूर देखिएगा। म्यूल, MULE, म्यूल। ये देखिए, एम कहाँ हमारा पड़ रहा है, देखिए रिफॉर्म में एम कहाँ है, या 9 के पास। ठीक है, तो 9, यू कहाँ, एफ, ORMULE फॉर्मूला में 8 यहाँ है, यानी 8M यहाँ रिफॉर्म में नहीं है। यू एल है दोस्तों, एल यहाँ 7। ठीक है, तो कहाँ है एल, देखिए यहाँ नहीं है, ये हो गया 7। और ई कहाँ है दोस्तों हमारा, देखिए ई यहाँ भी है 2 में, और देखिए यहाँ पर भी होना चाहिए, नहीं है दोस्तों, यानी 2 सिर्फ होगा हमारा, तो ये हो गया 2। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया, देखिए ये दोस्तों, 9872। ठीक है दोस्तों, इससे ये हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब देखिए इसमें आप कोई, बस इसमें क्या करना चाहिए, देखो रिफॉर्म है तो उसका कोड लिखिए, फॉर्मूला है तो उसका कोड लिखिए, फिर सॉल्यूशन ऑफ कोडिंग, तो इसमें मूल भाषा, तो कूट भाषा आपका ये। इसमें आपको दोस्तों अल्फाबेट बेट है जो हमेशा लर्न होना चाहिए, यानी याद होना चाहिए। अगर आप हमेशा याद रहेगा तभी आप इस सभी को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। यानी तो कभी भी एग्जाम में दोस्तों आप पहले ही पन्ने पर पीछे ABCD लिख लें, तब इसे सॉल्व करें ताकि आपको आसानी रहे। ठीक है दोस्तों।